हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप जो भी जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, आप सब अच्छे हो और आपका दिन अच्छा ही बीत रहा है। तो सुबह सुबह आज ब्लॉग को स्टार्ट किया, एक नए ब्लॉग में आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे थोड़ा सब्जियाँ कट कर रही हूँ। मैं बेसिकली थोड़ा गोभी काट रही हूँ, फूल गोभी, और थोड़ा आलू काटूँगी। और फूल गोभी और आलू का एक मैं फ्राई बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं सुबह सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में रोटी बनाऊंगी। तो रोटी के साथ खाने के लिए मैं ये फ्राई बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल वे से मैं बनाती हूँ इसको। तो इसके लिए कढ़ाई लिया और उस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया। और ये कढ़ाई आप सोचोगे कि इतना काला क्यों है, ये मनोजीत के बैचलर टाइम का कढ़ाई है, लेकिन इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये सिंपल सा सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो तेल जैसे ही गर्म हुआ, मैंने इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाला, और जैसे ही कलौंजी क्रैकल हो गया, मैंने इसमें कटे हुए गोभी और आलू को डाल दिया। अब थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसको अच्छे से ढक के पकाऊँगी, अच्छे से मिक्स करके ढक दूंगी और ढक के एकदम धीमे आंच पे इसको पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से बॉयल भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है, अभी ढक के एक साइड पे इसको होने दूंगी। और एक तरफ मैं अभी आटा छान रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा रोटी बनाऊँगी, रोटी नहीं, आप चपाती बोल सकते हो, पराठा भी एक तरह से बोल सकते हो। मैं थोड़ा घी में फ्राई करूँगी इसको, सूखी रोटी सुबह सुबह मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ। तो अभी डो मैंने अच्छे से बना लिया है, तो अभी एक एक करके मैं रोटियां बेल लूँगी और उसके बाद इसको सेक लूँगी। एक तरफ तो मेरा तब तक सब्जी भी बन जाएगा, तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। मैंने सारे रोटी एक साथ बेल लिया और अभी एक एक करके इनको सेक लूँगी। और एक तरफ मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे चाय भी साथ में ही बनाना है, तो इसलिए। तो रोटियां मैं एक साथ ही पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद एक एक करके सेकती हूँ, नहीं तो मुझे एक तरफ बेलना और एक तरफ सेकना, ऐसे मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको मैं अभी सेक लूँगी। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने रोटी बिठा दिया और एक तरफ मेरे चाय भी बन ही चुका है। तो ये रहा मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। तो अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लगूंगी मेरे लंच के प्रिपरेशन के लिए। अभी आ गई हूँ फिर से किचन में, और बनाना है अभी लंच। ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बैठी हुई थी, अभी लंच बनाना है। तो कतला फिश का हेड है, उसके साथ तो एक कड़ी बनाऊंगी फ़िश हेड डाल के, और साथ में राजमा मैंने बॉईल किया है, तो राजमा बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी बाद में। बस यही होगा हम लोगों का आज का लंच। तो अभी जल्दी जल्दी से लंच बना लेती हूँ, और नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, उसके बाद शावर भी लेना है और लंच करना भी है। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुकी हूँ मैं, ब्रेकफास्ट के बाद काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। और पता नहीं, किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, मुझे आज ऐसा ही लग रहा है, मतलब कुछ बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं बनाए तो खाएँगे क्या, इसलिए बनाऊँगी अभी। तो फटाक से खाना बना लेती हूँ, और बाद में जब टाइम मिलेगा आप लोगों से फिर से बात करूँगी। Thank you.
लंच के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक तरफ फ़िश हेड को फ्राई होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ सारी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक साइड में राजमा भी बनाना है। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने इसमें डाल दिया कटे हुए प्याज, साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा टमेटो काट करके और इन सबको थोड़ा सा थोड़ी देर में भूनूंगी। मैं यहाँ पे आज अदरक लहसुन का जो रेडीमेड पेस्ट आता है वो यूज़ कर रही हूँ। जल्दी से खाना बनाने के लिए मैं कभी कभी ये सब चीज़ रखती हूँ घर पे और यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट भी डाल दिया और अभी इसको अच्छे से भून लेना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से राजमा बनाती हूँ तो सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। झटपट अगर आपको बनाना है तो ऐसे भी आप बना के ट्राई कर सकते हो। और अभी इसमें मैं देखिए स्वाद अनुसार नमक और जितने भी सूखे मसाला है, लाल मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी, ये सब मैंने डाल दिया। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा कम डाला है क्योंकि राजमा बॉयल करते टाइम भी मैंने नमक डाल के रखा था। तो अभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाला जल भी ना जाए और ये प्याज टमाटो ये सब अच्छे से गल जाए इसलिए। और इसको अच्छे से मिला के मैं ढक के कुछ देर पकाऊंगी ताकि मसाला भी पक जाए और ये सब भी। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के अभी इसको अच्छे से मिला दूंगी और ये देखिए अच्छे से ये भुन चुका है। तो अभी इसमें जो बॉयल किया हुआ राजमा है वो मैं इसमें डाल दूंगी, पानी के साथ ही डालूंगी राजमा का पानी जिसमें ये बॉयल किया है, और इसको अच्छे से मैं मिला दूंगी। और मिला देने के बाद इसको कम आंच पे ढक के 5-10 मिनट पकाना है। और उसके बाद मैं उतारने से पहले इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ तो मेरा सिंपल राजमा रेडी हो जाता है। हे एवरीवन, अभी शाम में मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ। बीच में मैंने मतलब खाना बनाने के बाद और ब्लॉग नहीं बनाया था। अचानक से पता नहीं क्यों तबीयत बहुत ख़राब लगने लगा था और एक अजीब सा हो रहा था, तो मैं जल्दी से नहा ली और उसके बाद हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा हम दोनों ने ही आज लंच किया, मतलब एकदम खाने का मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई थी तो अभी जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा चाय वगैरह बनाऊँ, थोड़ा चाय वाय पीऊँ। और आप लोगों के साथ तो आधा ब्लॉग बना के छोड़ दिया था, आप लोगों के साथ फिर बात ही नहीं की, तो इसलिए सोचा फिर से थोड़ा आप लोगों से भी मिल लूँ। तो अभी जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी और उसके बाद चाय पी के दिखती हूँ, शायद निकलूंगी। मन तो कर रहा है कि थोड़ा टहल के आओ बाहर, बाहर जाना और वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हमेशा घर पे रहेंगे ना तो तबीयत एकदम बिगड़ने वाली है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसका भी मनोजीत का ऑफिस का काम थोड़ा ख़त्म हो जाए उसके बाद निकलूँगी, थोड़ा वॉक करके आऊँगी। और अभी तो शाम हो चुकी है, मतलब शाम क्या 7 बज रहा होगा करीब, तो अभी जाऊंगी थोड़ा चाय वाय बनाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। आज अचानक से तबीयत इतना ख़राब लग रहा था ना कि मैं दोपहर में लंच की और थोड़ी देर सो गई, मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। अब सो के उठी हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है और मनोजीत एक तरफ अपने ऑफिस का काम कर रहा है तो मैंने सोचा कि चाय बना लूँ, चाय पीऊँगी तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और शाम में चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए मेरा चाय बन चुका है, अभी मैं चाय को छान लूँगी और दोनों अभी बैठ के थोड़ा चाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं बाहर शायद निकलेंगे इवनिंग वॉक के लिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल में नए हो और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाईफोकल ज़िंदगी।